हरे कृष्णा, सबसे निवेदन है कि अपना अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे कर दे या उसे स्विच ऑफ कर दे, और जिन माताओं के साथ छोटे बच्चे हैं वो उन्हें लेके गार्डन में जा सकते ताकि प्रवचन में बाधा ना हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत क्लास में। बहुत ऋणी हैं आपके कि आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ पधारे भगवद गीता के पाठ को सुनने के लिए। पिछली बार हमने कहा था कि भगवद गीता ये अरण्य का ज्ञान है, लेकिन ये अरण्य का ज्ञान रणभूमि पर दिया गया है ताकि सिर्फ इसे जो साधु संत है वही नहीं बल्कि जन सामान्य भी सारे लोग इसे समझ पाएँ। इसके हेतु भगवान श्री कृष्ण ने ये जो अरण्य का ज्ञान है ये रणभूमि पर कहा है। तो पिछली बार हमने हमारा जो प्रवचन है इस विषय पर शुरू किया था। इज़ इट रॉन्ग टू बी सेल्फ सेंटर्ड? सेल्फ सेंटर्ड मतलब क्या आत्म केंद्रित होना जीवन में गलत है? आत्म केंद्रित होना माने खुद के बारे में ही सोचना, क्या ये गलत है? और जब हम कहते हैं कि खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए तो स्वाभाविक रीति से दूसरा प्रश्न आता है, तो फिर क्या दूसरों के बारे में सोचना भी उतना ही ज़रूरी है क्या? या सिर्फ मैं मेरे बारे में ही सोचूँ तो नहीं चलेगा? तो हम हमारे दैनंदिन जीवन में देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति थोड़ी या ज़्यादा मात्रा में आत्म केंद्रित होता ही है। ये बहुत स्वाभाविक है। यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ दूसरों के लिए जीता हूँ। ये भी एक स्तर है, लेकिन ये सर्वसामान्य लोगों में नहीं देखा जाता। इसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे, ये भी एक स्तर है। तो खुद के लिए जीना ये एक बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है। जैसे मान लीजिए हम जब ट्रैवलिंग करते हैं बस में, ट्रेन में, तो जब बस में लोग ज़्यादा है और सीट कम होती है तो सीन आप समझ सकते हैं क्या होता है, कि एक सीट के लिए कई सारे लोगों में भगदड़ मच जाती है। तो ऐसे ही जब हम लोग बस में ट्रैवलिंग करते हैं तो कभी बहुत रश होता है तो सीट मिल जाती है, लेकिन बाकी के जो लोग खड़े होते हैं फिर वो आपकी तरफ देखते हैं कि भाई आप थोड़ा बाजू जगह दे दीजिए हमें। और स्वाभाविक है कि लोग जब ये लाल कपड़ा देखते हैं तो उनको लगता है कि निस्वार्थ ही जीना चाहिए। तो एक बार जब बस में बहुत भीड़ थी तो एक माताजी के पास दो बच्चे थे। अब दो बच्चे हैं तो माताजी मेरी तरफ देख रही है कि भाई कुछ कीजिए आप। तो मैंने तो कुछ जगह नहीं दी, तो वो माताजी खुद बोली, महाराज सर कहाँ है? अब आप सोच सकते हैं कि ऑलरेडी सीट छोटा है। मैंने कहा जगह बहुत कम है तो आप थोड़ी देर खड़े रहिए। तो उसने क्या किया, पहले जगह नहीं है तो ये बच्चों को पकड़ो, तो एक बच्चा मेरे पास दे दिया उसने बिठाने। सोचिए यहाँ से चांदवड़ एक घंटा है, तो मैं एक घंटा उस बच्चों को अपनी गोदी में बिठा कर ले गया। कॉन्ग्रीगेशन के माताओं के बच्चे होते तो 5-10 मिनट में खेल के वापस दे देते, यहाँ पर एक घंटा बच्चे संभाल कर लेके जाना है। फिर उसको दूसरी माता जी ने जगह दी और फिर वो बैठ गई। तो ये आत्म केंद्रित होना बहुत स्वाभाविक है हमारे दैनंदिन जीवन में। तो लोगों का ये प्रश्न होता है कि क्या ये आत्म केंद्रित होना गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है, किसी हद में हर किसी में होता है और कभी कभी ये ज़रूरी भी है कि खुद के बारे में सोचा जाए। लेकिन जब यही चीज़ बहुत ज़्यादा हद तक बाहर चली जाती है तो फिर उसके बाद जो होता है वो कई सारे रिश्ते टूट जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब मैं MBA में था तो ये बहुत बड़ा केस स्टडी हुआ था। वीडियोकॉन कंपनी जो थी तब बहुत जानी मानी कंपनी थी, तो वीडियोकॉन कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने अपनी बेटी को उनके ही कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति से उसका ब्याह किया था। और फिर बाद में जब उनको लगा कि नहीं ये लड़का बहुत अच्छा है, दामाद अच्छा है, तो वो एक समय ऐसा है कि उनको लगा कि मैं थोड़ा अभी मुझे बाहर जाना चाहिए, थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जो सारी प्रॉपर्टी है उसकी देखरेख के लिए जिसको हम पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, तो वो उनके दामाद के नाम पर लिख दी। और जब वो कुछ महीनों बाद वापस आए तो उन्होंने ये पाया कि वो जो सारी प्रॉपर्टी थी वो दामाद ने अपने नाम पर करवा ली थी। जब वो आए तो उनके पास कुछ नहीं था। फिर वो मैटर बहुत दिनों तक चला, लेकिन बाद में वो जो मालिक थे उन्हें कुछ नहीं मिला। तो ये हम आजकल के जीवन में बहुत देखते हैं कि लोग
जब आत्म केंद्रित अति मात्रा में हो जाते हैं तो फिर कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। जैसे एक छोटे वीडियो से हम फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, खुद के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन वो जब हद से पार हो जाता है तो कितने सारे लोग उससे जुड़े हुए होते हैं, तो रिश्ते नाते टूट जाते हैं, लोगों के मन टूट जाते हैं। अगर आपने प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ा होगा, कितने लोगों ने पढ़ा है लीलामृत प्रभुपाद जी का? कोई पहचान सकता है ये शख्स? ये वही परमपद सिंघानिया है जिनको प्रभुपाद जब अमेरिका गए 66 में, तो यही परमपद सिंघानिया है जिनको प्रभुपाद खत लिखते थे और कहते थे कि आप मुझे डोनेशन दीजिए ताकि मैं अमेरिका में यहाँ पर राधा कृष्ण का एक मंदिर बना सकूं। लेकिन इनका कहना था कि मुझे, तो प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर बिल्डिंग देखी थी, 4-5 मंजिली बड़ी बिल्डिंग देखी थी जिसमें प्रभुपाद इस्कॉन का पहला सेंटर शुरू करना चाहते थे। और तो प्रभुपाद हाल ही में आए थे, एकदम नए नए थे अमेरिका में, लेकिन प्रभुपाद की देखिए ख्वाब बहुत बड़े थे। तो इन्हीं को प्रभुपाद बहुत सारे खत लिखे, इन दोनों में बहुत सारा वार्तालाप हुआ। लेकिन इनका मानना था कि मुझे पुरानी बिल्डिंग नहीं चाहिए राधा कृष्ण के मंदिर के लिए, मुझे नई बिल्डिंग चाहिए। लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि अब गवर्नमेंट ने कई सारे नियम डाल लिए हैं जिसके वजह से आप जो पैसा है बहुत कम मात्रा में यहाँ पर मुझे भेज सकते हो, तो इतने कम मात्रा में यही एक बिल्डिंग है जो मैं खरीद सकता हूँ या उसको इस्कॉन के नाम पर कर सकता हूँ। और बहुत चर्चा चली, लेकिन अंत में फिर इन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। एक समय मुंबई के शरीफ रह चुके हैं, करोड़ों नहीं अरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन आज यही व्यक्ति है कि पाई पाई के लिए मोहताज हो चुका है। इनके ब्रांड का नाम क्या है? कंप्लीट मैन। लेकिन समय ने इनको कैसे बना दिया है? द इनकम्प्लीट मैन। हाँ, आज जो चीज़ों की ज़रूरत है वही चीज़ें इनके पास नहीं है। न रहने के लिए घर है, भाड़े के घर में रह रहे और कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कि कम से कम मेरे बेटे ने मुझे रहने के लिए घर तो देना चाहिए। तो आत्म केंद्रित जीवन का ये सबसे बड़ा धोखा होता है, ये सबसे बड़ी हानि होती है। इसलिए जो शत शास्त्र है हमारे, जो गीता है, भागवत है, या फिर हमारे जो सामान्य जीवन के नियम है, वो क्या कहते हैं कि हमें खुद के लिए ज़्यादा नहीं जीना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतने ही हद तक हमने खुद के लिए जीना चाहिए। तो ये हमारे शास्त्रों के नियम है कि हम जितना लेते हैं उससे अधिक देने की बात हमारे शास्त्र करते हैं। जैसे पिछली बार हमने कई सारे उदाहरण लिए थे कि बैचलर लाइफ में जब हम होते हैं तब भी लेते हैं, कॉलेज में होते तब भी लेते हैं, जब तक हम पर जिम्मेदारी नहीं आती, जब तक व्यक्ति खुद का घर नहीं बसा लेता, खुद का परिवार नहीं बसा लेता, तब तक वो लेते रहता है। लेकिन जब खुद का परिवार बस जाता है, पति पत्नी बच्चे आ जाते हैं, तो उसे देने की भी आदत उसे डालनी होती है। अगर उसे सिर्फ लेने की आदत है और देने की आदत नहीं है, तब फिर वो उसका जीवन बहुत कठोर हो जाता है। आगे हम इस उदाहरणों के साथ चर्चा करेंगे। तो लेने की बात और देने की बात, ये दोनों इस नियम के आधे आधे हिस्से हैं। तो फिर कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति सिर्फ लेता है, जब उसे लेने की आदत पड़ जाती है, तो स्वाभाविक उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो असंतुष्ट हो जाता है। और जहाँ पर असंतुष्टि है वहाँ पर मन हमेशा चंचल रहता है। और जब ये चंचल मन को खुद को जो चीज़ प्राप्त करनी है वो नहीं मिलती है, तो फिर वो कई ज़्यादा हद तक दूसरों को हानि पहुँचा सकता है, जैसे ये उदाहरण में हमने देखा। फिर वो ये परवाह नहीं करता कि सामने वाला कौन है, क्या है। जैसे अभी हम जो ये बहुत सुंदर चौरष्ट गाते हैं, इसके जो रचयिता है बिल्वा मंगल ठाकुर, इनके पूर्व जन्म की कहानी में भी कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ता है। जब बिल्वा मंगल ठाकुर, उनके पूर्व जीवन में एक ब्राह्मण थे, और उनको वो ब्राह्मण होने की वजह से उनकी क्या इच्छा थी कि जो भी पैसा आए वो पैसे से वो क्या करते थे, दूसरे लोगों को भोजन खिलाते थे। और दूसरे लोगों को जब भोजन खिलाते थे तो बहुत सब लोग कहते थे वाह वाह कितना दानशूर व्यक्ति है, कितनी मदद करता है। तो ये सुनने के लिए वो बहुत लालयित होते थे कि वाह, खुद का गुणगान सुनने के लिए। तो होता क्या है कि उनके पैसे खत्म हो जाते हैं, और उस समय फिर उनको ये नहीं पता चलता कि अभी मुझे तो लोगों को भोजन खिलाना है क्योंकि मुझे खुद की वाह वाह सुननी है। तो उसी समय क्या होता है कि राजा की पुत्री का देहांत तो हो जाता है, जो कि कुमारी होती है, अविवाहित होती है। और फिर राजा जब उसकी पुत्री का देहांत तो हो जाता है, तो उसके सारे शरीर को सोने के आभूषणों से सजाता है, उसका जो क्योंकि कुमारी का होती है तो उसका शरीर जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता।
तो सारे आभूषणों से उसका जो शरीर है सजाया गया था। और फिर जब बिल्वा मंगल ठाकुर को ये पता चलता है तो वो दफनाई हुए शरीर को बाहर निकालने की चेष्टा करते हैं, और उस राजकुमारी को जब वो स्पर्श करने जाते हैं तो वो राजकुमारी कहती है कि मैंने आज तक किसी पर पुरुष को हाथ मुझे लगाने नहीं दिया है, आपको क्या चाहिए बताइए। तो उसने कहा कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, धन चाहिए, ताकि मैं लोगों को इसे भोजन कराऊँ और फिर लोग मेरी वाह वाह करें। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरे शरीर के आजू बाजू में जो आभूषण पड़े हुए हैं इसको आप ले जाइए। तो ले जाते हैं, फिर से दफना कर रख देते हैं, फिर कई दिन तक चलता है, लोग वाह वाह करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पैसा जो है कभी ना कभी खत्म होने वाला है। तो जब फिर से पैसा खत्म हो जाता है तो इस बार रहा नहीं जाता है, फिर से वो जाते हैं, फिर से वो निकालते हैं, फिर वो लड़की कहती है कि मेरे शरीर को आप अपवित्र न करें, लेकिन उनसे वो रहा नहीं जाता। तो उनके शरीर को स्पर्श करके सारे जो आभूषण है, जेवर है, एक एक करके सारे निकाल लेते हैं, फिर से ढककर रख देते हैं। तब वो लड़की कहती है कि आपने मेरी जो पवित्रता है उसको भंग किया है, तो अगले जन्म में मैं आपके पतन का कारण हूँ। और फिर वही बिल्वा मंगल ठाकुर यहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं, और वही जो राजकुमारी है वो वैश्या बनकर आती है चिंतामणि, जिसके पीछे ये अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। और फिर जब वो एक दिन कहती है कि इस मेरे शरीर से जितनी आसक्ति है उतनी आपको अगर भगवान कृष्ण से आसक्ति होती तो आज तक आप शुद्ध भक्त बन जाते हैं, तब फिर वो वृंदावन के लिए चले जाते हैं। तो उनकी जो आसक्ति थी उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि जो सामने व्यक्ति है, ये जो राजकुमारी है जिसने अपने शरीर को इतने दिन तक पवित्र रखा है, उसके बारे में वो सोचने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि आत्म केंद्रित है, सिर्फ मेरे लिए, मुझे जो अच्छा लग रहा है इस वक्त मैं वही करूँगा। तो ये एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि ये स्वाभाविक एक लोगों की मानसिकता है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति दूसरों को देते रहता है, भले ही वो खुद गरीब हो, लेकिन जब दूसरों को देते रहता है तो बाद में जब लोग देखते कि नहीं इसमें देने की इतनी वृत्ति है, तो लोग खुद होके उसे देने लगते हैं। लेकिन वही व्यक्ति खुद आत्म केंद्रित बन जाए तो फिर धीरे धीरे लोग जो उसे देने वाले थे, दे रहे थे, उसे देना बंद कर देते हैं। इतना ये स्वाभाविक रीति से इस जगत में दिखाई देता है। तो देना ये यहाँ पर बहुत स्वाभाविक है। इसके लिए हमने हमेशा ये जांच करनी चाहिए कि मेरे कर्तव्य क्या है, एज अ गृहस्थ, एज अ ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी, एज वर्किंग प्रोफेशनल, मेरे जिम्मेदारियां क्या है। जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाता है तो नैसर्गिक रीति से उसे सारी जो उसकी जरूरत है वो पूरी करने के लिए निसर्ग मदद करता है। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि ये कैसे होता है। इसके लिए आत्म केंद्रित रहना जरूरी ही नहीं है, हमें हमारे कर्तव्य करते रहने चाहिए। जैसे एक बहुत सुंदर कथा आती है, चार बच्चे होते, खेती करने वाले जो किसान होते हैं उनके बच्चे होते हैं, तो वो देखते हैं कि आषाढ़ का महीना आ चुका है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। देखिए, हम ये इसमें ये इस कथा में ये बताना चाहते हैं कि अगर खुद का कर्तव्य आप करते रहेंगे तो निसर्ग भी आपको आपके कार्य में मदद करता है। तो उन्होंने देखा कि आषाढ़ का महीना आ चुका है, बारिश नहीं हो रही है, तो फिर वो सोचते कि अरे लेकिन बारिश आए ना आए, हम किसान हैं, हमारा काम क्या है, खेत जोतना और जो अनाज के बीज है उसे डाल देना। तो चारों बच्चे मिलकर पूरे खेत को जोत देते हैं, सारा खेत साफ कर देते हैं, उसमें अनाज बोना चालू कर देते हैं। तो जब ये चीज़ें कौन देखता है, वहाँ पर जो मयूर होते हैं, मोर होते हैं, वो देखते हैं, वो सोचते हैं अरे क्या लड़के हैं, बारिश हुई नहीं उससे पहले ही इन्होंने सब कुछ शुरू कर दिया। तो फिर वो पता करता है मोर की ये क्यों कर रहे हैं। तो वो मोर को समझता है कि ये अपना कर्तव्य निभाना है, बाकी हो ना हो हमारा काम नहीं है। तो वो कर्तव्य निभाने के लिए ये सब बच्चे कर रहे हैं। तो वो मोर को भी अच्छा लगता है कि अरे ये काम क्या है हमारा, करते रहो, नतीजा क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं। तो जब वो मोर ये सोचता है तो फिर वो मोर भी जोर जोर से चहकने लगता है, उसका जो फ्लोरा होता है उसके पंख उठाकर वो नाचने लगता है। तो जब वो नाचने लगता है तो ऊपर से वो बादल देखते हैं कि अरे अभी तो समय हुआ नहीं है, बारिश शुरू नहीं हुई है, ये मोर नाच रहा है, ये बच्चे खेत जोत रहे हैं, चल क्या रहा है। तो वो पता करता है क्या हुआ, तो वो बादल को पता चलता है कि नहीं, इन्होंने अपना जो कर्तव्य है वो निभाने के लिए सिर्फ कर रहे, नतीजे पर ये नहीं गए। तो फिर वो बादल गरजने लगते हैं, जोर जोर से आवाज होती है, बारिश नहीं हो रही, सिर्फ गरज रहे। फिर ये सारा तमाशा ऊपर से इंद्र देखता है,
वो कहता कि अरे ये मोर गा रहा है, बादल गरज रहे हैं, नीचे ये किसान के बच्चे खेत जोत रहे, चल क्या रहा है। तब उसको पता चलता है कि ये सारे सिर्फ अपना नियत जो कर्म है वो करते रहे कर रहे हैं। तो तब इंद्र को लगता है कि अरे ये सारे अपना कर्म कर रहे हैं, तो फिर मैं मेरा जो कर्म है बारिश देने का वो मैं क्यों रोक के रखूं। तो फिर इंद्र बारिश कर देता है। तो जब कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है तो निसर्ग उसका साथ देता ही देता है। इसके लिए शास्त्र हमें क्या कहते हैं कि हमारे कर्तव्य से हमें चूकना नहीं है, हमारे कर्तव्य हमें करते रहने चाहिए। और हमारा कर्तव्य हमने पिछले सिटिंग में क्या देखा कि निसर्ग नियम क्या है, ये 10वां श्लोक जो हमने काफी विस्तार में लिया था, सहयज्ञ प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यदम एषवो इष्ट कामदु। तो हमने पूरा इस शब्द का अर्थ लिया था कि जब निर्मिति हुई थी तो निर्मिति के समय क्या हुआ था, पूरा सृष्टि, सृष्टि और पूरा ये एक के पीछे एक आ रहे हैं। तो जब पहली बार सृष्टि हुई थी तो दो चीजें यहाँ पर पहले आई थी, प्रजा और प्रजा के साथ सहयज्ञ, मतलब प्रजा और यज्ञ ये दो चीजें एक साथ प्रकट हुई हैं। तो फिर हमने प्रजा की व्याख्या देखी थी, प्रकृष्ट रूप में जिसका जन्म होता है, विशेष रीति से जिन जिनका जन्म होता है उसे प्रजा कहा गया है। तो प्रजा में देवी देवता भी आते, पितृ भी आते, ऋषिगण आते, मनुष्य आते, पेड़ पौधे आते, प्राणी आते हैं, ये सारे प्रजा में आते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक विशिष्ट प्रकार से हुई है। और फिर हमने देखा कि अनेन प्रसविष्यदम एषव इष्ट काम, तो हमारा जो इष्ट काम है, हमारी जो अच्छी इच्छाएं है उसे पूर्ण करने के लिए यज्ञ के माध्यम से हमारी इच्छाएं पूरी की जाती है, ये हमने पिछले सिटिंग में देखा था। लेकिन जो अनिष्ट इच्छा है वो निसर्ग पूरी करने में हमारी मदद नहीं करता है। तो ये जो सोसाइटी में हम रहते हैं, ये इसे हमने नाम दिया था कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो संसार बनाया गया है, ये संसार कैसे है, इसमें जब हमारा इष्ट काम है, जो इष्ट काम पूरा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें एक दूसरे से मदद लेनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर ये जो श्लोक है, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु। देवान भावयत्मत में क्या मतलब, पहले आप देवी देवताओं को संतुष्ट करो, फिर क्या होगा, देवा भावयंतु, देवी देवता संतुष्ट होंगे, परस्पर भावयंत, एक दूसरे को जब संतुष्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे, तो वो कोऑपरेशन से क्या होगा, श्रेय परम, हमारी जो सारी अच्छी इच्छा है वो हम यज्ञ के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए कोऑपरेशन, ये जो संसार है यहाँ का एक मूलभूत अंग है, इसमें फाउंडेशन है। जब हम परस्पर कहते हैं मतलब एक दूसरे का सहारा हमें लेना पड़ता है, एक दूसरे के हित के बारे में हमें चिंता करनी पड़ती है। जैसे पिछली बार हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया था, पशु यज्ञ करते हैं, पशु यज्ञ में पशु का भी फायदा होता है और जो ब्राह्मण है उनके भी मंत्र चेक हो जाते हैं और पशु को नया जीवन मिलता है। लेकिन वही हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या देखते हैं, जो छोटे छोटे प्राणी हैं उनको मारा जाता है, लेकिन उसमें हमारा हित तो होता है क्योंकि ड्रग टेस्टिंग हो जाता है, लेकिन प्राणी का कोई हित नहीं होता, प्राणी मर जाता है, उसे नया शरीर नहीं मिलता है। तो ये परस्पर में नहीं आएगा, इसमें दोनों पार्टी का हित नहीं है, इसमें सहयोग भी नहीं है एक दूसरे के लिए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये जो निसर्ग निर्मित पूरा जग है, इसमें कोऑपरेशन बहुत फाउंडेशन में है, ये होना ही होना चाहिए, तब हम खुश रह सकते हैं। तो हमने छोटे छोटे उदाहरण लिए थे, जैसे शरीर के स्तर पर भी हम देखें तो सारे शरीर के जो इंद्रिय है वो एक दूसरे के साथ जब सहयोग करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। परिवार में सारे परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ जब सहयोग करते हैं तब घर में खुशहाली आती है। तो ये कई सारे छोटे छोटे हमने उदाहरण देखे थे, सोसाइटी के लेवल पर देखा था, ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे टाइम टेबल होता है, हर व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये जब सब करते हैं तो क्या होता है, उसमें प्रगति होती है, सारी इच्छाएं पूरी होती है। तो सहयोग की भावना यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो ये कई सारे उदाहरण हमने लिए थे, जैसे निसर्ग में जितनी सारी चीज़ें हैं वो हमें आज तक दूसरों से ही ली है, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है। जैसे शरीर हमें माता पिता से मिला है, हमारा ज्ञान जो है हमें गुरुजनों से मिला है, हमारी भौतिक जो भी ज़रूरत है, हवा पानी, ये सारा निसर्ग प्रोवाइड करता है, हमारा नाम जो है, हमारी संपत्ति जो है, हमारी पहचान जो है वो हमें हमारे पितरों से प्राप्त होती है, हमारे घर की जो सामग्री है वो हम पेड़ पौधों से लेते हैं, और फिर ये सारी जो चीज़ें, आत्मा भी यहाँ तक हम जिसे हमारा कहते हैं वो
वो आत्मा भी भगवान का अंश है. मतलब हमने ये देखा कि कोई भी चीज़ इस जगत में हमारी नहीं है. इसके लिए अगर इस संसार में हमें खुशहाली पूर्वक रहना है तो हमें उसमें कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एक दूसरे के साथ आनंद पूर्वक रहना है तो एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हुए हमें आगे बढ़ना होता है. जैसे आजकल लोग कहते हैं कि घर में हर व्यक्ति के लिए एक नया अलग रूम होता है. पत्नी का रूम अलग, पति का रूम अलग, बच्चों का रूम अलग. आजकल तो यहाँ तक आया है कि हर एक के रूम में अपना अपना टीवी होता है, हर एक के रूम में अपना अपना वाईफाई कनेक्शन होता है प्राइवेट. तो ये जो सेग्रीगेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है कि समाज में जो एकजुटता दिखनी चाहिए, दंपत्ति जीवन में जो खुशहाली हमें दिखनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है. क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति खुद को घर का केंद्र मानता है और फिर इसकी वजह से क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों से झगड़ा हो जाता है. पत्नी कमाती है, पति कमाता है, बच्चे जब तक नहीं कमा पाते रहते बाद में चले जाते हैं. फिर पति या पत्नी घर पे किसके साथ रहते, कोई नहीं रहता है. रहता भी तो एक कुत्ता होता है, वो कुत्ते के साथ आप क्या बात करेंगे घर में. मानो आपको प्रमोशन मिल गया या आपने नई गाड़ी खरीदी तो कुत्ते को क्या बोलेंगे कि भाई मुझे प्रमोशन मिला. कुत्ता क्या भौंकेगा, सिर्फ वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं करें. आपने कहा कि अरे आज मेरा बहुत तनख्वाह बढ़ गई और मैंने आज नई गाड़ी खरीदी, कुत्ते को अगर आप बाहर दिखाने भी ले जाओ तो वो क्या करेगा, सिर्फ टायर को सूंघेगा और सूंघने के बाद योगासन करेगा. वो और अप्रिसिएशन उसके पास है क्या, वो क्या समझ पाएगा कि अरे मेरे मालिक ने फरारी ली है, मर्सिडीज ली है, उसको समझ ही नहीं है. तो रिश्ता किसके साथ बनाना है यहाँ तक हम भूल गए, क्योंकि जीवन इतना आत्मकेंद्रित हो चुका है. इसके लिए हमें क्या समझना है कि हाँ, एक उम्र तक हम दूसरों से लेते हैं, उसके बाद देना है. पहले लेकर बढ़ना है, बढ़ने के बाद दूसरों को देना है और बढ़ाना है. एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको देता हूँ, ये मुझे उत्तम भक्ति प्रभु ने बताया था. मैं उनको पूछ रहा था कि ये आप जब यज्ञ करते तो चावल के दाने क्यों फेंकते हैं. कितने लोगों को पता चावल के दाने क्यों फेंकते हैं, नहीं पता. हम तो बस फेंकते हैं, मजा आता है. अरे पीले होते, लाल होते, फेंको इधर उधर. तो चावल की एक विशेषता होती है जिसके कारण उसको पवित्र माना जाता है. आपने चावल का जो पौधा है वो देखा है, चावल का पौधा सिर्फ एक जगह पे नहीं बोते, उसे पहले एक जगह उगाते फिर निकाल कर दूसरी जगह डालते और फिर वो वहां पर पड़ता है. तो चावल की विशेषता क्या है, चावल एक जगह से पहले सारी चीजें ले लेता है और जब दूसरी बार उसको उठाकर दूसरी जगह पर रखा जाता है तो वो जो चीजें उसने ली है उसको लेकर वो वहां पर बढ़ता है. वैसे ही जो घर की लड़की है जो अभी दूसरे घर में जा रही है, वो उसने उसके मायके से कुछ लिया है, कुछ सीखा है. अब वो जो सीखा है उसने वो दूसरे घर में जाके उसको अप्लाई करेगी और उस घर को बढ़ाएगी. देखिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी है स्त्रियों पर कि दूसरे घर को बढ़ाना है, जो यहां से लिया है उसे दूसरे घर में देना है आपको. इसके लिए जो चावल का जो पॉट होता है शादी के समय, वो लात मारने के लिए किसको देते, स्त्री को ही करने दिया जाता है, क्योंकि वो चावल का जो गुण है वो स्त्री में आता है, वो दर्शाया जाता है उसके माध्यम से. तो इतना हमारा जो कल्चर है स्ट्रांग है कि देना है, हमको देना है. जैसे चावल एक जगह से लेकर दूसरे जगह में देता है, वैसे हमारी संस्कृति में हमको सिखाया जाता है. तो पहले हम निर्भर होते हैं, बाद में जब हम आध्यात्मिक रीति से पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तब हम आत्मनिर्भर होते हैं. और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होते हमको क्या करना है, दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते रहनी है, करते रहनी है, दूसरों को देते रहना है, देते रहना है. और अगर हम नहीं देंगे तो क्या होगा, वो आज के सिटिंग में हम देखेंगे. तो ये आज का हमारा श्लोक है. इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स इष्टान् भोगानि वो देवा
दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान् अप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स. तो हमारे पहले पार्ट में हमने क्या देखा कि हम कैसे निर्भर है हमारे बचपन से लेकर अंतिम समय तक, और चूंकि हम निर्भर हैं तो हमें सहकार्य की भावना प्राप्त करना जरूरी है. तो आज के सेटिंग में हम ये देखेंगे कि मुझे क्यों देना चाहिए, देना क्या जरूरी है, दूसरे को सिर्फ लेते नहीं रह सकते हम लोग. और एक प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे कि अगर मैं न दूं तो मैं जीवन भर सिर्फ लेते रहूंगा, अगर मैं किसी को कुछ न दूं तो क्या होगा. तो ये दो मुख्य मुद्दे लेकर हम इस पर चर्चा करेंगे, और फिर अंत में हम ये देखेंगे कि जो व्यक्ति सिर्फ लेता है उसके लक्षण क्या है, और अगर समय मिला तो फिर हम सॉल्यूशन पर जाएंगे, नहीं तो उसे अगले सेटिंग में कंटिन्यू करेंगे. तो ये तीन प्रश्न हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे. तो हमें क्यों देना है, जैसे हमने ये श्लोक में देखा इष्टान भोगानि वो देवा, ये जो देवी देवता है जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारा जो इष्ट भोग है, हमारी जो अच्छी इच्छा है, दास्यन्ते यज्ञ भाविता, दास्यन्ते मतलब ये हमें देंगे, प्रदान करेंगे, दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान अप्रदायेभ्यो, लेकिन जो व्यक्ति इन्हें बिना वापस दिए खुद के लिए ये सारी चीजें इस्तेमाल कर लेता है, यो भुंगते, भुंगते मतलब इस्तेमाल कर लेता है, खुद के लिए सारी चीजों का इस्तेमाल करता है, यो भुंगते स्तेन एवस, स्तेन क्या होता है, स्तेन का मतलब होता है चोर. जो व्यक्ति सिर्फ खुद के लिए सारी चीजों का इस्तेमाल करता है, जो उसने दूसरों से ली है आज तक, जैसे हमने वो लिस्ट देखी बचपन से लेके मां के गर्भ से लेने तक, तब से अब तक के दिन तक उसने सारी चीजें ली है दूसरों से ली है, इसलिए जो व्यक्ति सिर्फ लेता है दूसरों को देता नहीं है वो व्यक्ति क्या कहलाता है, चोर. तो आजू बाजू में नहीं देखना है, ये भी लगता है चोर. ये मैं खुद के एनालिसिस के लिए बता रहे हैं, हम लोग खुद एनालिसिस करना है कि आज तक हमने क्या दिया है, समाज को क्या दिया है, परिवार को क्या दिया है, पति पत्नी में है तो पत्नी ने पति को क्या दिया है, पति ने पत्नी को क्या दिया, बच्चों ने क्या, ये लेन देन की बात हम कर रहे हैं. तो ये खुद के सेल्फ एनालिसिस के लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं. जैसे सिंपल उदाहरण लेते हैं, ये 11वें श्लोक में भी आया, अगले श्लोक में आएगा, सॉरी 13वें 14वें श्लोक में आएगा. जैसे पिछली बार हमने रेन साइकिल देखा था, जो ये निसर्ग में हम बारिश का जो चक्र देखते हैं, सूर्य क्या करता है, समंदर से पानी उठाता है भाप करके, उसके बादल बनते हैं, और फिर जब वो बादल बनते हैं तो नमक का जो पानी है वो मीठा पानी बन जाता है, बादल जगह जगह जाते हैं और फिर जगह जगह बारिश होता है. लेकिन साइंस में प्रॉब्लम क्या है, साइंस ये नहीं जानता है, साइंस को पूछो कि घास कहाँ से बनती है, तो लेकिन जब बारिश आती है तो घास उगती है. अच्छा, फिर गाय में दूध कहाँ से आता है, जब गाय घास खाएगी तो दूध आएगा. अच्छा, तो फिर घास बारिश से बना तो बारिश कैसे हुई, तो फिर वो कहते हैं कि हाँ ये जो सूरज है ये है. फिर जो भाई सूरज किसने बनाया वो पता नहीं, बोलते बिग बैंग हुआ, बिग बैंग हुआ और फिर बिग बैंग से ये सारा बन गया. तो ये ज्ञान को अधूरा ज्ञान कहा गया है. तो चौथे अध्याय में ही भगवान बताते हैं कि ये जो सूर्य है ये इसने जो ज्ञान है मुझसे प्राप्त किया हुआ है. और सातवें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि ये जो सारी सृष्टि की रचना है वो मैंने की है. तो ये परफेक्ट ज्ञान है, ये पूरा नॉलेज है. तो यहाँ पर जब हम नेचर में ये रेन की साइकिल देखते हैं, तो ये सूर्य क्या करता है, पानी उठाता है, बादल बनाता है, बादल जगह जगह जाते हैं, पानी बरसाते हैं, फिर वो पानी नदी के माध्यम से कहाँ आकर मिलता है, समंदर. तो ये साइकिल हो गया. वैसे ही गवर्नमेंट भी क्या करता है, लोगों को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, आपको पानी देंगे, आपको जगह देंगे, ये जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज है वो आपको दी जाती है, हम सबको दी जाती है. क्यों?
क्योंकि उसके माध्यम से हम कुछ कार्य करें, जैसे कंपनी को फैसिलिटीज दी जाती है MIDC में, फिर जो कंपनी उसमें से कुछ बनाएगी बेचेगी पैसा आएगा, फिर वो पैसा क्या किया जाता है, गवर्नमेंट को दिया जाता है। फैसिलिटी के बदले में क्या मिला, गवर्नमेंट को पैसा, और फिर वही पैसा गवर्नमेंट क्या करेगी, और ज्यादा फैसिलिटी देगी। समझ रहे हैं आप, ये साइकिल है ना, हमसे ही लेना है हमको ही देना है, हमसे ही लेना है हमको ही देना है। लेकिन जब गवर्नमेंट सिर्फ हमसे लेती है और जब देती नहीं है तो गवर्नमेंट को क्या कहा जाएगा, हाँ। और इसको चुना था कौन है, लेकिन एक चोर दूसरे चोर को, कई लोग है ना काटा मारते हैं इनकम टैक्स में, CA को लगा लगा के गवर्नमेंट को चुना लगा। एक चोर दूसरे चोर को क्या कर रहे, लूटेगा ही ना, तो गलत क्या, उनको चोर और हम क्या है, हम बड़े पुण्यात्मा है, भगवान के लिए पैसा बचाते हैं ना प्रभु जी। तो यही साइकिल के बारे में यहां पर भगवान बता रहे हैं कि यहां निसर्ग से लेना है, निसर्ग को वापस देना है, रखना नहीं है। अगर रखेंगे तो क्या होगा, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन साइकिल कैसे डिजाइन की गई है, लेना है देना है, लेना है यूज करके वापस देना है, लेना है और वापस देना है, ये एक्चुअल नेचुरल साइकिल है। लेकिन आज समाज में लेन देन ठीक से नहीं हो रहा, इसलिए क्या कहा गया है सबको, चोर। जैसे हम ये बहुत पॉपुलर कथा सुनते हैं ना अलेक्जेंडर की, अलेक्जेंडर जब भारत में आया था तो उसके तंबू में एक बार चोर घुस गया, तो वो चोर घुस गया तो उसको पकड़ लिया गया। तो चोर पकड़ा गया तो अलेक्जेंडर ने पूछा, कौन हो तुम? तो उसने कहा, मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ। तो वे चोर ने पूछा, तुम कौन हो? बोले, मैं अलेक्जेंडर हूँ, मैं दूसरे राष्ट्र से यहाँ पर आया। तो बोले, तो एक ही बात है ना, तुम बड़े चोर हो मैं छोटा चोर है, तो दोनों ही चोर, दूसरे का ही लेने के लिए आए ना। प्रभुपाद ब्रिटिश म्यूजियम को क्या कहते थे, चोरों का अड्डा, सारा चोरी कर करके लाए और उसका नाम क्या दिया, ब्रिटिश म्यूजियम, है कि नहीं। सारे दुनिया से अच्छी अच्छी चीजें लाई और कहा रखी है ब्रिटिश, और कहा बोलते हमारा है, और पैसे भी हमसे ही लेते, $30-30 का पिए एंट्री पिए, क्या देखने के लिए, हमारा ही कोहिनूर देखने के लिए। तो चोरी क्या है कि ये जो फ्लो है इसमें बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर द्यासंते कहा गया है, मतलब देना, जब देवी देवता देते हैं अप्रदाय, मतलब उसे हमें इस्तेमाल करके उन्हें वापस देना है, अगर नहीं देंगे तो क्या कहा गया है, चोर, स्टेन कहा गया है। तो चोर की मानसिकता क्या होती है, चोर की मानसिकता यहाँ पर समझाई गई है कि चोर क्या करता है, दूसरे से लेता तो है लेकिन उसे वापस करने की उसकी इच्छा नहीं है। क्यों? अगर मुझे अच्छा लग गया बस, उसमें क्या बड़ी बात है, अच्छा लगे। कल को मैं किसी के घर पर जाऊं और किसी ने समझो नया एप्पल का मोबाइल लिया है, उन्होंने प्रसाद के लिए बुलाया था, प्रसाद के साथ साथ मैं उनको भेंट भी दिया है, मोबाइल मैं ले आया, और वो पूछेंगे कि प्रभु जी अभी वो मोबाइल वापस दे दी, नहीं क्यों, अच्छा लग गया बस ले लिया मैंने, वापस देना जिम्मेदारी है कि नहीं। वैसे ही चोर की मानसिकता क्या होती है, वो लेता है देने का नाम वो नहीं लेता। तो ये लेना भी चलो ठीक है, ले भी लिया, लेकिन करोगे क्या उसका, लेने में कोई बुराई नहीं है लेकिन लेकर करोगे क्या, ये चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बहुत सुंदर कथा बताता हूँ, ये मुझे बहुत पसंद आई जब मैं रामायण पढ़ रहा था। इसमें मायासुर नाम का एक दानव है, इसकी कथा आती है। ये मायासुर कौन है पता है आपको, मंदोदरी के पिताजी है ये। अभी मंदोदरी कौन है ये मत पूछ तो शिफ्ट हो जाएगा, रामायण लेना पड़ेगा तो मंदोदरी रावण की पत्नी है। तो मंदोदरी को तब की सबसे सुंदर स्त्री मानी गई, सबसे सुंदर, मतलब ये इतनी सुंदर थी कि, मतलब उसके पिछले जन्म में, ये इतनी सुंदर थी ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर मोहित हो गए थे। और भगवान शंकर जब मोहित हो गए तो माता पार्वती को गुस्सा आ गया, और माता पार्वती को जब गुस्सा आया तो उसने कहा कि तू चुड़ैल, तो तू क्या बन जा, मेंढक। तो उसको मेंढक बना दिया था, बोले जब तेरा टाइम खत्म होगा तो वापस तू सुंदरी बन जाएगी। तो इतनी सुंदर थी ये मंदोदरी। तो इसके पिता
कि ये कहानी आती है रामायण में. तो इनके जो पिता है ये एक बार छुट्टी के लिए जाते हैं, छुट्टी के लिए कहा जाते हैं, उनको पास मिलता है इंद्रस क्लब, इंद्र का जो डांसिंग क्लब है उसका टिकट मिलता है इनको, फ्री टिकट. तो बोलते यार बहुत दिन हुआ छुट्टी उट्टी, तो घूमने के लिए जाते हैं इंद्र के क्लब में. अभी वहां पर तो दिन रात पार्टी चलती है, तो ये भी बैठ गए, एसी के हॉल है सब ठीक है, बस ड्रिंक्स आ रहा है. कल पॉपकॉर्न नहीं खाते वो लोग, ये हमारे ये पॉपकॉर्न हमारे लिए. तो अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही है. और फिर होता क्या है, जब वो डांस परफॉर्मेंस शुरू होता है तो वहाँ पर जो नृत्य करने वाली लड़की है, तो अचानक डांस करते करते ये मायासुर और वो जो डांस करने वाली लड़की, उसका नाम हेमा होता है, तो इन दोनों में जो नज़र ये मिलती है तो एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षित हो जाते हैं. बीच की स्टोरी नहीं बताता हूँ, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, आप समझिए पिक्चर का सेम स्टोरी होता है. तो फिर डांस परफॉर्मेंस के बाद वो मिलते हैं, नंबर एक्सचेंज होता है, फिर व्हाट्सएप में बातचीत शुरू होती है. बातचीत शुरू होते होते कई दिन बीत जाते हैं, फिर वो क्या कहते हैं कि अभी हमको शादी करनी है. तो बोले हाँ मैं तो इसी के लिए रुका था भाई, शादी भी हो गई. अभी होता क्या है, जब शादी हो जाती है तो ये जो मायासुर है, मायासुर एक बहुत ज़बरदस्त आर्किटेक्ट होता है. तो वो अपनी कौशल या अपना जो कौशल है उसका इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल करता है कि उसका जो घर का इंटीरियर है, आर्किटेक्चर है, देखने के लिए दूर दूर से देवी देवता आते हैं, असुर आते हैं, दानव आते हैं, इतना ज़बरदस्त ये आर्किटेक्चर होता है. तो एक दिन उसको उसके गुरु का एक स्टेटमेंट याद आता है. उसके गुरु ने कहा होता है कि जिस व्यक्ति के पास विद्या का बल है वो कभी गरीब नहीं हो सकता, उसके पास जो चाहिए वो चीज़ आ जाएगी. तो पता नहीं अचानक उसको क्या होता है, वो बहुत कठोर तपस्या करता है. तो कठोर तपस्या करता है तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है. तो ब्रह्मा जी आते पूछते क्या चाहिए. तो फिर वो इधर उधर की बातें कहता है, मुझे अमीर बना दो, मुझे ये बना दो. लेकिन उसका चेहरा जो है वो ब्रह्मा जी की तरफ वो देखता नहीं है ठीक से. तो ब्रह्मा जी पूछते कि ठीक ठीक बताओ तुम्हारे मन में क्या बात है. तो वो ब्रह्मा जी से कहता है कि मेरे गुरु के पास जो ज्ञान है वो सारा ज्ञान मुझे चाहिए. मतलब हाईजैकिंग जो कहते हैं हम, वो तब की बात है, अब की बात नहीं. तो ब्रह्मा जी हंसते हैं, ब्रह्मा जी कुछ बोलते नहीं. तो ब्रह्मा जी बोलते तथस्तु, हो गया काम. और फिर अचानक जैसे ही वो अपने ऑफिस में जाता है और सारा काम शुरू करता है तो ऐसी ऐसी आइडियाज उसके मन में आती है, तो उसको समझ जाता है कि यस सारा डेटा ट्रांसफर हो गया. अब बात यह है कि हमको ये समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने क्यों किया ऐसा कि उसके गुरु का सारा ज्ञान इसके दिमाग में डाल, सारा नहीं लेकिन काफी अंश तक रामायण में लिखा गया. तो शुक्राचार्य क्या करते हैं, उनका जो कौशल्य होता है आर्किटेक्चर का, उसके माध्यम से ऐसे ऐसे महल बनाते हैं, ऐसे ऐसे कई सारी चीज़ें बनाते हैं जिससे आसुरों का विकास होने लगता है. और फिर इतने वैभवशाली आसुर हो जाते हैं कि वो जो जन सामान्य के लोग हैं उन्हें बहुत तकलीफ देना शुरू करते हैं. तो इनका भी जो शक्ति है वो कम हो जाएगा तो अपने आप आसुरों की शक्ति कम हो जाएगी. तो ये इक्वेशन रखते हुए वो करते हैं. और दूसरा मुद्दा ब्रह्मा जी के मन में होता है कि ये जो व्यक्ति है, निसर्ग का नियम क्या है कि गुरु की सेवा करने के पश्चात गुरु से ज्ञान अर्जन किया जाता है, वो ये साइकिल को तोड़ रहा है, इसमें अहंकार बहुत ज़्यादा है. तो वो क्या करते हैं, काल पर छोड़ देते हैं कि काल देख लेगा इसका क्या करना. और फिर उधर क्या होता है, शुक्राचार्य फिर उनका काम करने बैठते तो अचानक उनका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, कुछ आ नहीं रहा वहाँ. तो फिर वो ध्यान में बैठते कि क्या हुआ गड़बड़. तब उनको पता चलता है कि इधर उनका जो डिसाइपल है मायासुर, उसने सारा जो डेटा है उसका ट्रांसफर कर लिया बिना बताए. जब शुक्राचार्य को ये पता चलता है कि ये व्यक्ति ने जो ज्ञान है अच्छे नीति मूल्यों से नहीं स्वीकार किया है, तो उसे कुछ बोलते नहीं है, अपना ही शिष्य लेकिन कुछ बोलते नहीं है. क्यों, क्योंकि वो काल के अधीन उसे छोड़ देते हैं कि काल ही इसका सबसे बड़ा गुरु बनेगा, काल ही इसको समझाएगा कि जो व्यक्ति गुरु से झूठ बोलकर, गुरु से चीटिंग कर ज्ञान प्राप्त करता है वो कभी जीवन में यशस्वी नहीं हो सकता ज्यादा समय के लिए.
इसका सबसे सुंदर उदाहरण आता है कर्ण. कर्ण ने क्या किया, परशुराम जी से झूठ कहा कि मैं, और फिर क्या होता है अंत में जब उसको पता चलता है कि यह व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है. ये व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है क्योंकि ब्राह्मण में शरीर की पीड़ा सहन करने की ताकत होती नहीं. जो व्यक्ति एक्चुअल ब्राह्मण है उसमें शरीर की पीड़ा सहन, उसको आप चाहे तो कुछ कह लीजिए वो तुरंत समझ जाएगा, लेकिन शरीर की पीड़ा सहन करने की शक्ति सिर्फ क्षत्रियों में. और जब परशुराम जी देखते कि इतना बड़ा भौरा है, पूरा उसका जो जंगा है लहूलुहान हो चुका है, इतना कैसे सहन किया इसने, तुरंत वो पूछते उसको तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है. तो उसके बाद सच बोलने के अलावा चारा नहीं होता है. तो ज्ञान अर्जन करने के लिए कर्ण ने क्या किया, झूठ बोला. वैसे ही यहां पर अपने गुरु से श्रेष्ठ बनने के लिए कोई बड़ा ये नहीं था उसके मन में कि हाँ मैं ये ज्ञान अर्जन करके जन की सेवा करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा. नहीं, मायासुर के मन में क्या था, बस बड़ा बनना है, दुनिया को दिखाना है कि मैं इतना बड़ा आर्किटेक्चर हूं और मेरी जहां जहां जाए मेरी वाह वाह हो, बस कोई बड़ा ध्येय नहीं था. हम क्या मुद्दा ले रहे थे, क्यों कथा शुरू की थी, लेना अच्छा है बुरा नहीं है, लेकिन लेकर करोगे क्या. जैसे मायासुर ने लेकर कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन वो इतना पजेसिव हो गया था कि नहीं मुझे बड़ा बनना है, बड़ा बनना है, मेरे लिए करना है, मेरे लिए करना है. उसने कर भी लिया, लेकिन अंत कहा हुआ उसका, वो इतना प्रसिद्ध हो गया, मायासुर इतना प्रसिद्ध हो गया कि विश्वकर्मा जो है, जो देवी देवताओं का आर्किटेक्ट, उससे ये मशहूर होने लग गया. तो सारे देवी देवता वो विश्वकर्मा को छोड़कर इसके पास जाते थे, हमारा डिजाइन सैंक्शन करो, हमारा डिजाइन. तो ये इंद्र से रहा नहीं गया, अरे मेरा आर्किटेक्चर को कोई पूछता नहीं है बाजू वाले की. तो इंद्र एक दिन उसके घर पे जाता है और हेमा और ये दोनों बैठे रहते हैं. तो फिर बहुत प्रसन्नता से बात करते हैं एक दूसरे से और इंद्र उसकी बहुत तारीफ करते हैं. और इंद्र हम लोग जानते हैं मूडी व्यक्ति है, अचानक उसका मूड चेंज हो जाता है. और जो इतने प्रेम से बोल रहा था इंद्र, तुरंत वो क्या करता है, ऐसी उसकी नानी याद आ जाती है मायासुर को, इतना उसको गाली गलौज करता है कि बोले तू मेरे आर्किटेक्ट से कैसे बड़ा हो गया तू. और इतना उसको गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि हेमा के सामने इंद्र उसको मार देते हैं. ये शुक्राचार्य भी आप पहले जानते थे और ब्रह्मा जी भी पहले जानते थे कि जो व्यक्ति जितना आत्मकेंद्रित जीवन जिएगा उसका नाश उतना जल्दी होगा. तो इसके लिए लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकर करोगे क्या. अगर ये चीज हम में सही तरह से फाउंडेशन नहीं है, इसका सही सही फाउंडेशन नहीं है, तो इसका अंत इतना ही विदारक होगा, इतना ही घातक होता है. इसलिए लेना गलत नहीं है, और लेने के लिए कारण क्या है उसके पीछे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है. फिर 13वें श्लोक में भी बहुत सुंदर तरह से बताते हैं, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वग पापा ये पचंती आत्म कारणा. तो यहां पर जो शब्द दो लोगों में कंपैरिजन है, संत मतलब जो भक्त होते हैं और दूसरा है जो पापी व्यक्ति है, इन दोनों की तुलना यहां पर की गई है. तो संत व्यक्ति क्या करते, यज्ञ शिष्ट आशिन मतलब जो अर्पण किया गया है देवी देवताओं से, जो लेते हैं उसे वापस देवी देवताओं को समर्पित करते हैं, और जो प्रसादी बचता है वो ग्रहण करते हैं. मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, जब वो भगवान को कोई चीज भोग लगाकर खाते हैं तो वो क्या होते हैं, मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, सारे पापों से वो मुक्त हो जाते हैं. लेकिन वही व्यक्ति जो दूसरों से सिर्फ लेता है, भुंजते, भुंजते मतलब लेना, ते अगप पापा, वो व्यक्ति क्या है, सिर्फ पाप ही खाता है. ये पचंती आत्मकारणात्, आत्मकारणात मतलब सिर्फ खुद के लिए जो जीता है वो व्यक्ति, और दूसरा कुछ नहीं ग्रहण करता, वो सिर्फ पाप ही ग्रहण करता है. इसके लिए यहां पर क्या कहा गया है, उस व्यक्ति को पापी कहा गया है जो सिर्फ खुद के लिए जीता है. आत्म केंद्रित जीवन आत्मकारणात, उसे क्या कहा गया है, पापी. क्यों पापी कहा गया है, क्योंकि उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उसको किसको सेटिस्फाई करना है, खुद को, दूसरे की उसे कोई परवाह नहीं है. फिर 16वें श्लोक में भी एक बहुत उसी तरह से एक शब्द आता है आत्मकेंद्रित व्यक्ति के लिए. यहां पर भगवान कहते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति हय,
अघायुर इंद्रिय आराम. जो व्यक्ति सिर्फ खुद के इंद्रियों को आराम देना चाहता है, खुद के इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, मोघम पार्थ स जीवति, ऐसा व्यक्ति क्या है, उसका जीवन वेस्ट है, पापी जीवन. कैसा है वो, अपने जीवन को सिर्फ व्यर्थ ही गवाता है. अब हमको ये जो लेन देन का साइकिल है जिसको हमने पहले श्लोक में डिस्कस किया, अगर कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं करता है तो क्या होता है. तो हम यही प्रश्न लेंगे कि खुद के इंद्रियों को आनंद देने में क्या प्रॉब्लम है. तपस्या करना जरूरी है, दूसरों के लिए जीना जरूरी है. मैं आपको एक प्रैक्टिकल रेगुलर लाइफ का उदाहरण देता हूं. ये जब मैंने सुना था तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन ये बात, ये सच्ची घटना है. इंद्रिय आराम, एक इजी गोइंग लाइफ जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ मेरे लिए करो, सब लोगों ने मेरे लिए जीना चाहिए, सब ने जो भी करना चाहिए वो मेरे लिए करना चाहिए, कैसा घातक हो सकता है. आत्म केंद्रित जीवन कितना घातक हो सकता है. ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ. हमारा एक स्टूडेंट है, तो मैंने एक दिन उसको पूछा कि यार तू बड़े दिन से दिखा नहीं, क्या हुआ. तो बोले नहीं प्रोजी, थोड़ा घर का काम था, ये था वो था, वो बात घुमा घुमा कर बता रहा था. मैंने कहा यार टिक टिक बता क्या हुआ. तो फिर वो उसके घर की कहानी बता रहा था कि उसने कहा कि मेरी एक मौसी है, वो बीमार है और उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता है और कई सारे घर के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. तो फिर उसकी जो मौसी है उसकी स्टोरी वो बता रहा था. तो ये जब छोटी थी तो वो उसके माँ के साथ, पिताजी के साथ रहती थी, स्कूल में जाती थी, लेकिन घर की इकलौती बेटी थी. अब इकलौती बेटी है तो माँ उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी. बेटी की एग्ज़ाम है तो उसको चाय बना कर दो, दूध बना कर दो, और फिर घर का कोई काम नहीं, बर्तन का काम नहीं, झाड़ू पोछे का काम नहीं, कोई काम नहीं, जो कुछ है वो माँ करेगी. या नहीं मतलब मैं ये बता रहा हूँ माता जी मेरी तरह आपको करना है कर सकती है, नहीं करना है मत कीजिए, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ. तो घर का कोई कामकाज वो लड़की नहीं करती थी. क्यों? क्योंकि माँ को क्या चाहिए कि नहीं भाई तू पढ़ लिख कर बड़ी बन जा और फिर ये है वो है. तो ऐसे 12वीं तक उसका डिग्री हो गया, डिग्री तक माँ ने उसे कोई काम करने नहीं दिया, एकदम इंद्रिय आराम, इंद्रिय आराम का जीवन उसने जिया. ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आराम से उसका जीवन कटा. अब उसकी हो गई शादी. अब शादी के पश्चात क्या हुआ, अब शादी के पश्चात पत्नी है, पति है, सास है, घर वाले होते हैं. तो ये लड़की का एक मेजर प्रॉब्लम क्या हुआ कि इसका पति उसको बोलता था कि भाई अभी ऑफिस जाना है, तो ऑफिस जाती नहीं, घर का काम संभालती, तो तू क्या कर मेरे लिए टिफिन बना दे. क्या बना दे? टिफिन बना. अब ये लड़की ने, इसको खाना आता था पिछली बार की तरह नहीं ये लड़की को खाना बनाने आता था, लेकिन हुआ क्या कि इसने आज तक घर का कोई काम नहीं किया था, तो ये काम उसके लिए बहुत मेहनत वाला लगने लगता. तो ये क्या करती थी, खुद के लिए थोड़ा सा पोहा, उपमा, जो भी कुछ उसको आता था वो बना के खा लेती थी और सो जाती थी. कहती थी मेरा शरीर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है मेरा. वो पति बेचारा कैसे वैसे उसकी माँ को बोलकर यहाँ वहाँ से वो टिफिन बनाकर कई साल निकाले उसने. ऐसा 1-1.5 साल हो गया, उसको एक बच्चा हो गया, बच्चे की देखरेख उसकी सास ने की. फिर एक दिन उसका पति 2-2.5-3 साल के बाद उसका पति बोला कि देखो ऐसा नहीं चलेगा, ये गृहस्थी जीवन है, इसमें हम दोनों को सहयोग करना पड़ेगा, एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे की ज़रूरतों को जानकर आगे बढ़ना होगा. तो उस लड़की को इतना बुरा लग गया कि मेरे पति ने मुझे ऐसा क्यों कहा. तुरंत उसने माँ को फोन किया, आई मियाले उसने बैग उठाया, बच्चे को भी नहीं उठाया, सिर्फ बैग उठाया, बच्चा वही बैग उठाकर वो कहा चली आई, मैके चली आई, मैके चली आई. मैके कितने दिन उसको संभालेंगे.
तो मैके वाले ज्यादा दिन उसको संभाल नहीं पाए, तो खुद का कार्य खुद करने की उसको आदत नहीं थी। तो जब उसको ये समझने लग गया कि घर के सारे लोग मुझे निग्लेक्ट कर रहे हैं, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता है, धीरे धीरे उसका जो मानसिक संतुलन है इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया कि आज की तारीख में वो व्यक्ति इतनी विकट परिस्थिति में है कि कई बार घर में अंदर जो भी लोग आते कुछ भी मार के फेंक देती, उसको कोई लेन देन नहीं है। वो इतना उसका जीवन असंतुलित हो गया। क्यों? क्योंकि कभी देने की आदत नहीं है, कभी कुछ करने की आदत नहीं है दूसरे के लिए। यह जो आत्म इंद्रिय आराम यहां पर जो कहा गया है कि इंद्रियों के लिए देते रहो, ठीक है, लेकिन कब तक इसे देने की अगर आदत नहीं डालोगे तो हम ही खुद बाद में क्या होगा, हम फंस जाएंगे उस चक्र में, लेने के चक्र में। इसके लिए शास्त्र क्या कहता है कि इंद्रिय को जहां पर आराम की जरूरत है वहां पर इंद्रियों को नियंत्रण की भी जरूरत है, और इंद्रियों को नियंत्रित करना ये इंद्रियों की सेवा है। हमें सेवा करनी है इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की। ये जब सेवा करेंगे तब हमारा जीवन कंट्रोल रहेगा। तो शरीर की सेवा कैसे की जाती है कि शरीर को कार्यरत रखना है दूसरों की सेवा में, उसे आलसी नहीं बनाना है, ये शरीर की सेवा होती है। इंद्रियों की सेवा क्या होती है? इंद्रिय निग्रह करना, ये इंद्रियों की सेवा होती है। मन की सेवा क्या होती है? गलत विषयों का चिंतन न करने देना, अच्छे विषयों का चिंतन करने में लगाना मन को, ये मन की सेवा है। बुद्धि की सेवा क्या है कि अच्छे अच्छे क्रिएटिव कार्य करते रहना, ये बुद्धि की सेवा है। जब इन सभी की सेवा करेंगे तब हमारा जो जीवन है वो खुशहाली से युक्त होगा, पूर्ण होगा, न कि जब हम सिर्फ देते रहेंगे इंद्रियों को देते रहेंगे, नहीं, इससे क्या होगा, हमारा ही बाद में घात हो जाता है। इसलिए आजकल माता पिता ये बहुत कहते हैं ना कि मेरा बेटा घर का कुछ नहीं करता, मेरी बेटी मेरा नहीं सुनती है। क्यों नहीं सुनती? मैं जब छोटा था, नहीं छोटा नहीं, हम जब कॉलेज में थे तो मेरा एक दोस्त था जैन मारवाड़ी, तो साइकिल पर आता था 4 किलोमीटर घर से। तो मैं कहता यार इतनी मेहनत क्यों कर रहे, तू गाड़ी वाड़ी ले ले, तू जैन मारवाड़ी घर का है, पैसा तो बहुत। बोले नहीं नहीं नहीं, एक एक पैसे का हिसाब लेते घर। बोले ये तो कुछ नहीं, जब मैं छोटा था, उसके बचपन की बात, जब मैं छोटा था, बोले मैं जब स्कूल से घर वापस जाता था मेरे पिताजी बोलते थे ये पोटली उठा चल रास्ते पे खड़ा हो जा, तो रास्ते पे खड़ा कर देते थे। रास्ते पे क्या करना है, बेचना है, कितने कपड़े वो लिखते थे, 10 जोड़ी दिया, 10 जोड़ी में से कितना वापस आया, इसका कितना दाम लगाया, ये सारा हिसाब लेते थे। तो बोले इससे तेरे को क्या फायदा होता? बहुत फायदा होता है। बोले क्या फायदा है? बोले इससे पता चलता है कि एक एक पाई कमाने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती। जब लोग गाली देकर चले जाते हैं ना, अरे तुम तो ऐसे ही है, तुम तो सब लूटते हैं, तो वो झेलने की आदत आती है। आज जब हम मंदिर में आते हैं हमको भगवान के सामने झुकने में भी कितना कितनी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि झुकना कभी सीखे नहीं है हम लोग। आजकल के बच्चे बड़े अजीब तरह से प्रणाम करते, घुटने इधर हाथ लगा प्रभु जी, अरे नीचे तो जा बीच में लगा बीच में क्या लगा, इतने आलसी हो गए घुट। तो ये है, बच्चों को हमें सिखाना है। माँ बाप प्रेम कीजिए ना, आपका ही बच्चा है, कौन नहीं कह रहा है प्रेम करने के लिए, लेकिन ये आदतें कब लगाएंगे बच्चे को? ये उसे सिखाना होगा कि भाई मैं मेहनत करके ये पैसा लाती हूँ तब तेरा स्कूलिंग होता है। वो बच्चा ये नहीं समझता है। जब बच्चा नहीं समझता उसको क्या लगता है, बस माता पिता का काम क्या है, देते रहो, मेरा काम क्या है, लेते रहो, और जब सिर्फ लेते रहता है तो वो देना सीखता ही नहीं है। फिर अंत में माँ बाप को कहाँ जाना पड़ता है, अनाथ आश्रम में जाना पड़ता है, क्योंकि सिखाया नहीं है। गलती माँ बाप की है, बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे की गलती नहीं है इसमें। इसमें सारा जो दोष है माता पिताओं का है, क्योंकि आपने बच्चे को ट्रेन नहीं किया है। कई बार माता पिता आके माँ या पिता कोई भक्त बन जाते हैं और फिर तुरंत पूछते मेरा बच्चा भक्त कब बनेगा, ये क्या 1 रुपए का कॉइन डाला तो उधर से कुछ निकले, ऐसा है क्या? आप इधर से घुसे भक्ति में तो वो सारे भक्त बन गए क्या? देखिए भक्त बनना या बनाना एक जन्म का काम नहीं, इसके लिए बहुत बड़ा कार्य करना पड़ता है। और अगर माता पिता ने जब संस्कार ही नहीं किए गर्भाधान के समय,
तो बच्चा भक्त बने इसकी आप कभी भी अभिलाषा मत रखिए, मत रखिए अभिलाषा कि वो भक्त बनेगा, क्योंकि उसने जन्म किसके लिए लिया है, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके घर जन्म लिया है ना, कि भक्त बनने के लिए। ये बात पहले ठीक से समझ लीजिए आप। लोग पूछते भक्त कब बनेगा, अरे वो भक्त बनना आपने जब प्लानिंग किया तो बच्चा भक्त बने इसका प्लानिंग किया था क्या? नहीं किया, तो ये प्रश्न ही मत पूछिए कि बच्चा कब भक्त बनेगा। वो अभी आप भगवान पे छोड़ दीजिए, आपकी सोला माला ठीक से कीजिए। वो बच्चा जब देखता है कि माँ बाप ही सो रहे हैं जब मैं, उसको लगता है जब ऐसे ही करना है, एक हाथ में वो बीड बैग, दूसरे हाथ में मोबाइल, भेजते रहो टेक्स। क्या सिखा रहे हैं हम लोग बच्चों को? और फिर कहते हैं कि मेरा बच्चा भक्त नहीं बनता। कैसे बनेगा भक्त? तो ये इंद्रिय आराम जो है ये हमको पहले समझना होगा। इसके लिए ये जो निसर्ग इस तरह से इसकी रचना की गई है कि यहाँ पर सिर्फ हमको क्या सिखाया गया है, देना है। जैसे पत्नी किसके लिए पतिव्रत, अपना पतिव्रत रखती है कि वो शुद्ध रखती है, दूसरे के लिए, पति के लिए। खुद के लिए शुद्ध रहती है क्या? उसका शुद्ध रहने का मकसद क्या है? पति को संतुष्ट करना। पत्नी का शरीर पति को संतुष्ट रखता है, पति का शरीर पत्नी को संतुष्ट रखता है। शरीर भी एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। खुद के मन में हम एक दूसरे को रखते हैं तब मन में आनंद आता है। माता का जो दूध आता है शरीर से किसके लिए आता है? खुद के लिए रखती है माता, वो बच्चे के लिए। देखिए देना ही देना है इसमें, निसर्ग में लेना कहीं ज्यादा लिखा ही नहीं है, सिर्फ देना है। माँ के शरीर में जो दूध निर्माण होता है खुद के लिए नहीं है, बच्चे के लिए, दूसरे के लिए। बच्चा जब माँ की गोदी में खेलता है किसको आनंद मिलता है? वो माँ को आनंद मिलता है, उसकी क्रियाएं माता के लिए आनंददायी है। बच्चों को कुछ नहीं समझता उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। जो पेरेंट्स है वो बच्चों को खुश रखते हैं, बच्चे पेरेंट्स को खुश रखते हैं। जो स्पीकर होता है वो किसके लिए कथा करता है? ऑडियंस के लिए करता है। ऑडियंस किसके लिए होती है? स्पीकर की। ऑडियंस ही नहीं तो स्पीकर क्या करेगा बैठ के? और स्पीकर ही नहीं है तो ऑडियंस कितना देर बैठेगी, दर्शन लेके चली जाए। तो यहां पर भी लेन देन है, यहां भी एक दूसरे के लिए ही सारी चीजें बनाई गई है। इसके लिए अगर कोई ये प्रश्न पूछता है कि मैंने क्यों देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, इसका मतलब क्या है? ये निसर्ग का नियम ही है, ये निसर्ग रचित है, इसकी रचना ही इस तरह से की गई है कि हमको देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है। महाभारत में ये बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार एक शिकारी है, शाम का समय हो जाता है, कई सारे पक्षियों को पकड़ता है, पकड़ कर आता है और एक पेड़ के नीचे वो बैठता है। तो फिर उस पेड़ पर एक पक्षी होता है, उसकी पत्नी बाहर गई होती है, वापस आई नहीं काफी समय से, तो बड़ा चिंतित होता है। और फिर उस चिंता उस अवस्था में वो अपनी पत्नी को पुकारता है, तो उसको दूर से उसकी पत्नी की आवाज आती है। तो वो पूछता है कि तुम कहाँ? तब तो उसकी पत्नी कहती है कि ये जो शिकारी है इसने मुझे पकड़ लिया है। तो अचानक क्या होता है, बहुत जोर से बारिश आने लगती है वहां पर। अब ये शिकारी जो है इसने जितने सारे पंछी पकड़े हैं भीगने लगता है। अभी भीगने लगता है तो करेगा क्या? तो वो जो ये पंछी जिस पेड़ पर बैठा होता है उस पेड़ का ये आश्रय लेता है, और थोड़ी सी जो लकड़ियां होती है उसको जमा करके कैसे तो भी उसके शरीर को गर्म रखने के लिए प्रयास करता है। अब ये पति पत्नी में संवाद चालू है। वो पत्नी पूछती है कि देखो अभी मैं बचकर तो बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन ये जो शिकारी है इसने हमारा जो घर जो इस पेड़ पर है इस पेड़ का आश्रय इसने लिया है, और तुम देखो ये जो शिकारी है ये इस ठंड में कितना सिकुड़ गया है, इसको कितनी तकलीफ हो रही है, और इसको पता है तुमको बहुत भूख लगी है। तो जब वो पति ये सुनता है कि इस व्यक्ति ने हमारे घर का आश्रय लिया है, तो उसको लगता है कि इसको संभालना अभी जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी मेरी है। जब पति को यह समझता है कि अभी पत्नी तो यहां से रिहा नहीं होने वाली है, तो सिर्फ उस शिकारी का प्राण बचाने के लिए वो पक्षी क्या करता है, ऊपर से आग में छलांग लगा के मर जाता है, ताकि वो जो शिकारी है उसका मांस खाकर अपने जीव की रक्षा कर सके।
तो शास्त्र क्या बताते हैं कि अब ये शरीर तो एनीवेज जाने वाला है, इसका किसी अच्छे कार्य में उपयोग करके ऊपरी इससे भी बेहतरीन गति को आप प्राप्त करो। मतलब जो निम्न वाली चीज है उसको छोड़कर दूसरे की सेवा में लगा दो और उसे क्या है बेहतरीन चीज प्राप्त कर दो। तो ये जो पंची है जैसे ही वो अपने प्राणों की आहुति देता है उच्च गति प्राप्त करता है, स्वर्ग की ओर जाने लगता है। तो ये हमारे शास्त्र समझाते हैं कि हमें देना है, देने की भावना हमें नेचुरल है, लेना हमारे लिए नेचुरल नहीं है, देना नेचुरल है। ये निसर्ग की निर्मित ही इस तरह से की गई है कि हमें सिर्फ देते रहना है, देते रहना है। तो कई बार लोग कहते हैं कि अगर मैं सबके लिए अच्छा ही करता रहूं और मेरा बुरा हो जाए तो लोग मेरा बुरा करेंगे। तो शास्त्र ये बताते हैं कि इस दुनिया में हमारा बुरा करने की ताकत किसी में नहीं है, इस दुनिया में हमारा बुरा करने की ताकत किसी में नहीं है, सिर्फ हमारा एक मन है जो हमारा बुरा कर सकता है। कई बार लोग कहते हैं ना कि द्रौपदी अगर दुर्योधन को नहीं कहती अंधे का बेटा अंधा तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। दुर्योधन कब तक अंधा नहीं था? जब तक उसने द्रौपदी की बात को स्वीकार नहीं किया। उसको गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसने मान लिया कि मैं अंधा हूं। मानने से अंधा हो गया? अरे नहीं हुआ। लेकिन उसके मन ने कहा अंधा बोली तेरे को, अंधा बोली तेरे को। अंधा बोलने से वो अंधा हुआ? नहीं हुआ। उसने मान लिया कि मैं अंधा, मेरे पिता माता पिता अंधा है तो मैं भी अंधा हूं। वो मानने की वजह से उसको तकलीफ हुई और फिर उसकी वजह से, न कि द्रौपदी की वजह से, उसने जो गलत धारणा बना ली पांडवों के बारे में, द्रौपदी के बारे में, उसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। इसलिए द्रौपदी कहीं भी नहीं है। इसलिए इस दुनिया में कोई भी हमारी हानि नहीं कर सकता। अगर कर भी देता है तो तुरंत क्या होता है, सांत्वना देने वाले लोग नहीं आते। अरे तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं कहने वाले लोग रहते कि नहीं समाज में? होते हैं, आज दिन तक भी है। तो जब हम किसी चीज को सहन कर लेते हैं तो हमारी सहानुभूति के लिए नेचर दूसरे लोगों को भी भेजता है। तो हमें निसर्ग से क्या सीखना है कि हमें देना है, दूसरों के लिए जीना है। तो अब इसको हम रिवाइज करेंगे एक 5 मिनट में कि क्यों हमें देना है। तो हमने पहला मुद्दा देखा क्योंकि हम निर्भर हैं। हमने आज तक जो सारी चीजें हैं वो दूसरों से ली है, जन्म से लेकर आज तक की सारी चीजें जो है वो हमने ली है। ये पहला मुद्दा है। क्योंकि हमने सब कुछ दूसरों से लिया है तो हम पर क्या है अभी, कर्ज है, ऋण जिसे हम कहते हैं। तो 5 प्रकार के ऋण है। एक पितृ ऋण है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है, भूत ऋण है और मनुष्य ऋण है। ऐसे 5 प्रकार के ऋण है। ये 5ों लोगों से हमने कुछ ना कुछ लिया है। देवी देवताओं से क्या लिया है? ये सारी जो भौतिक सृष्टि है, हवा पानी, ये सारी चीजें उनसे ली है। पितरों से हमने क्या लिया है? हमारे जो नाम है, हमारे जो संपत्ति है, उनसे हमने ली है। ऋषियों से हमने क्या लिया है? उनसे ज्ञान हमने लिया है। दूसरे समाज के जो लोग हैं उनसे हमने सेवा ली है। और मनुष्यों से हम उनके साथ रहते हैं, एक साथ रहने की वजह से उनसे भी हम सेवा लेते हैं। तो इन 5ों के जो ऋण है वो हमें चुकता करना है। जब तक हम ये ऋण नहीं चुकता करेंगे तब तक हम इस संसार चक्र को नहीं तोड़ सकते। माता पिता का काम क्या है? बच्चों को सिर्फ सेवा प्रदान करना, न कि उनसे सेवा की अभिलाषा रखना। क्यों? क्योंकि पिछली बार उसने आपकी सेवा की थी, अब हमारी बारी है इस जन्म में सेवा करने की। जब हम सेवा दूसरों से लेने की इच्छा रखते हैं तो ऋण बढ़ता है और ये जो चक्र है इसे हम नहीं भेज सकते। जैसे कई बार लोग कहते पितृ ऋण क्या है? ये पितृ ऋण ये सबसे महत्वपूर्ण एक ऋण है, जो अगर नहीं चुकाएंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अचानक धन चला गया, सेहत चली गई, घर में बहुत सारी बाधाएं आती है। क्यों आती है? क्योंकि जिन पितरों की वजह से हमें जन्म मिला है, जब तक वो यहां पर थे वो हमें दे रहे थे, जब वो शरीर छोड़ देते हैं तो वो अपेक्षा करते हैं कि अब हम उनके लिए कुछ करें। जब हम उनके लिए कुछ नहीं करते तो फिर वो अलग अलग माध्यम से क्या करते हैं, हमें तकलीफ देना शुरू करते हैं।
कि भाई हमारी तरफ ध्यान दो, हमारी तरफ ध्यान, वो तकलीफ नहीं है, वो ध्यान आकर्षित करना चाहते, हमारी तरफ भी ध्यान दो, हमारी जरूरतों पर ध्यान दो। तो यहाँ पर देने की बात आती है। तो महाभारत में ये एक बहुत सुंदर कथा आती है जरत्कारु ऋषि की। तो ये बहुत बड़े ऋषि हुए जरत्कारु करके। तो एक दिन जंगल से जाते समय ये देखते कि कुछ लोग एक पेड़ की टहनी से उल्टे लटके हैं। तो उनको पूछते कि आपकी ये दुर्दशा किसने की? तो कहते कि देखिए हम पूर्वज है, पितृ है, और हमारा जो घर है, हमारा जो लीनियज है, वो अभी नष्ट होने वाला है, क्योंकि हमारा जो आखिरी वंशज है वो अभी ब्रह्मचारी बन गया है, और हमारा वंश की जो कुल है वो नष्ट हो जाएगा अगर इसने कोई संतान उत्पन्न नहीं की। और हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब ये आखिरी व्यक्ति एक तो भगवान कृष्ण का भक्त बनेगा, नहीं तो संतान उत्पन्न करेगा। तो वो कहते कि कौन है आपका ये आखिरी जो अंश? तो कहते कि जरत्कारु इसका नाम है। तो कहते कि मैं ही जरत्कारु। तो बोले देखो, तुमने संतान उत्पन्न नहीं की, इसके लिए हमारी ये दशा है, हम पितृलोक से गिर गए नीचे। तो कहते देखो, मुझे ये संसार की चीजों में गिरने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं ये सब करूंगा, लेकिन मेरी तीन शर्तें हैं। तो तीन शर्त क्या रखता है कि जो जिस स्त्री से मैं शादी करूंगा उसका नाम भी जरत्कारु ही होना चाहिए, मेरे नाम के समान ही उसका नाम होना चाहिए। दूसरी बात, मैं उसका पालन पोषण नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उसके साथ रहूंगा। और तीसरी बात, अगर वो मेरे मन के खिलाफ कुछ भी करेगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। और फिर जगह जगह पर एक खबर फैलती है कि जरत्कारु नाम के ऋषि हैं। फिर वो उनकी जो नाग कन्या होती है उसके साथ उनकी शादी होती है, फिर एक पुत्र उत्पन्न जब करते हैं तब ये पितृ जो है ये इनको अच्छी गति मिलती है। तो ये पितृ ऋण बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक हम ये नहीं चुकाएंगे। लोग कहते हैं हमारी परंपरा, हमारा वंश, वंश व्यक्ति से नहीं बनता है, वंश गुणों से बनता है। वंश हमेशा गुण से बनता है, व्यक्ति से नहीं बनता है। किसी भी ऐरे गहरे व्यक्ति को घर में जन्म दे के आपका वंश नहीं बढ़ने वाला, उसका नाश भी हो सकता है। तो व्यक्ति गुणी होना चाहिए वंश को आगे बढ़ाने के लिए। फिर तीसरा मुद्दा है, हमने चर्चा की कि जो लेता है लेकिन वापस नहीं देता वो चोर कहलाता है। चौथी बात हमने देखा कि ये साइकिल है, जो व्यक्ति साइकिल को तोड़ता है, ये चक्र को जो तोड़ता है, पूरे चक्र की हानि ये करता है। पांचवा मुद्दा हमने देखा कि जो व्यक्ति सिर्फ खुद के लिए जीता है वो एक पापी का जीवन जीता है, और खुद की इच्छा को पूरा करने के लिए फिर वो दूसरों की भी हानि कर सकता है। और सातवा और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो व्यक्ति अगर देने की आदत नहीं रखता तो उसका हृदय कठोर हो जाता है। जैसे एक बार राधानाथ महाराज, परम पूज्य राधानाथ महाराज एक बार गाड़ी से जा रहे थे और ट्रैफिक का सिग्नल लग गया। तो सिग्नल पर गाड़ी रुकने के बाद एक भिखारी वहां पर आया। तो भिखारी जब आया तो जो गृहस्थ पीछे बैठे थे उन्होंने कुछ नहीं दिया उसे। तो महाराज ने कहा गिव हिम समथिंग। उन्होंने कहा महाराज आई डोंट हैव प्रसाद, क्योंकि भक्त हम यूजुअली क्या करते प्रसाद देते। तो उसके उन्होंने प्रसाद नहीं लाया था। तो महाराज ने कहा गिव हिम मनी। तो वो ग्रस्त कहने लगे कि महाराज अगर इसने पैसे का गलत इस्तेमाल किया तो पाप तो हमको लगेगा ना। महाराज ने कहा तुमको पाप लगेगा, लेकिन अगर तुमने देने की आदत नहीं लगाई तो तुम्हारा जो हृदय है वो कठोर हो जाएगा, और कठोर हृदय से तुम ज्यादा पाप करोगे। इसके लिए देने की ये जो आदत है ये बहुत जरूरी है, और ये जो लेने की आदत है इसे हमें अगर तोड़ना है तो क्या करना होगा? ये जो लेने की आदत है इसको बंद करना है तो देने की आदत बढ़ानी होगी। जितना हम ज्यादा देंगे उतना ये लेने की आदत चली जाएगी। ये जो हमारी लेने की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। और एक मुद्दा यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि टेकिंग मीन्स गिविंग बैक। मतलब जब हम लेते हैं दूसरों से, और अगर हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है लेकिन हम सिर्फ सेवा भी प्रदान करते रहे तो अपने आप देने के लिए इतनी सामग्री हमारे पास आ जाती है
कि हम समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसका बहुत सुंदर उदाहरण क्या है, सिंधु ताई सबकाल का हम उदाहरण जानते हैं। ये व्यक्ति के पास क्या था, लेकिन गरीब बच्चों को इकट्ठा कर करके उनके लिए भीख मांग कर लाती थी, उनको खिलाती थी, उनको बढ़ाती थी, उनको सिखाती थी, पाठ पढ़ाती थी, और इतना करके आज वो व्यक्ति इतनी प्रसिद्ध है, इतनी प्रसिद्ध है कि देश विदेश से उसे डोनेशन आते हैं। किस लिए आते हैं, ताकि वो समाज के लिए कुछ कर सके। तो प्रश्न ये है कि अगर मैं सिर्फ लेता रहूं तो क्या होगा। तो ये छोटे छोटे उदाहरण से हम बताना चाहते हैं कि शरीर की रचना भी देखिए कैसे की गई है। हमने खाना खाया, खाना खाने के पश्चात पेट भर गया। अगर पेट ने अंदर से आवाज दी गया, अभी इसमें से कोई चीज आगे नहीं जाएगी, मेरे को समोसा बहुत अच्छा लगा, मुझे रसगुल्ला बहुत अच्छा लगा, मुझे काला जाम बहुत अच्छा, बस इसको पकड़ के रखना है, क्या होगा, तकलीफ होगी कि अच्छा लगेगा। हवा ली, ले ली, ले ली, ले ली, ले ली, अभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, क्या होगा, सांस फूल जाएगी, आदमी मर सकता है। वैसे ही जो व्यक्ति सिर्फ लेते रहता है, लेते रहता है, लेते रहता है, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, अगर तालाब का पानी बहता नहीं है, बहता नहीं है तो सड़ जाता है, वैसे ही जो व्यक्ति का मन देने वाला नहीं होता है तो उसका मन कैसे होता है, सड़ने लगता है। जैसे हमने उदाहरण लिया, जब गाय का दूध आ रहा है लेकिन गाय बच्चे को दूध नहीं पिलाती है तो उस गाय कई जो स्तन है उसमें गांठे पड़ जाती है। वैसे ही लेने की आदत से मन में गांठे पड़ जाती है, मन सड़ने लगता है, लेकिन जब देते हैं, जब पानी बहता है तो पानी शुद्ध होते रहता है। वैसे ही जब मन देते रहता है, देते रहता है, तो मन क्या होगा, शुद्ध होते रहेगा, शुद्ध होते रहेगा। और अगर हम देने की आदत नहीं लगाएंगे तो मृत्यु रूपी क्या होगा, वैसे भी सारी चीजें हमसे छीन कर ली जाएगी। इसके लिए हमें किस चीज़ की आदत लगानी है, हमें देना है, देना है दूसरों को। तो यहाँ पर कुछ साइन बताए गए हैं कि कैसे कोई व्यक्ति को समझे कि ये आत्म केंद्रित बनते जा रहा है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, जो व्यक्ति बड़ी प्रतिष्ठित स्थान पर है उसी का आदर करेगा, बाकी किसी का आदर नहीं करेगा। फिर वो क्या करता है, दूसरों को जबरदस्ती करता है, मुझसे प्रेम करो, मुझसे प्रेम करो, खुद दूसरे से प्रेम नहीं करेगा, दूसरे को जबरदस्ती करेगा। फिर तीसरा उसमें लक्षण दिखाई देता है कि वो दूसरों के साथ क्यों रहता है, ताकि दूसरों का आकर्षण का केंद्र बने, दूसरों को अपनी तरफ आकृष्ट करने की उसकी लालसा ज्यादा होती है। चौथा लक्षण उसमें दिखता है कि सिर्फ दिखावा करता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं बड़ा हूं। पांचवा लक्षण उसमें दिखता है कि बहुत ज्यादा फालतू बड़बड़ो करता है, गॉसिप जिसको कहते हैं, इसका तो ये हुआ और ये तो गिर गया और ये तो बहुत घटिया इंसान है, दूसरे के बारे में कभी वो अच्छा नहीं बोलेगा। वो अगर किसी को उसने कुछ वचन दिया तो वो वचन रखता नहीं, बड़ी आसानी से वो तोड़ देता है, दूसरों की बहुत आसानी से निंदा करता है। और संबंध जब भी बनाएगा तो संबंध किस लिए बनाता है, क्योंकि उसके मन में कुछ छिपा हुआ एक हेतु होता है। इसलिए दो पहलू होते हैं किसी व्यक्ति के, एक होता है सेल्फ एब्जॉर्ब और एक होता है सेल्फ अवेयर। जैसे ध्रुव महाराज की कथा में हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज ने जब यक्षों को मारा, लेकिन जब उनके बड़े बुजुर्ग आए तो तुरंत उन्होंने क्या किया, वो रुक गए। लेकिन पहले जब उनकी माता ने उनका अपमान किया था तो ध्रुव खुद को रोक नहीं पाए, क्यों, क्योंकि वो सेल्फ एब्जॉर्ब थे, खुद में इतने वो उनका मन उस उलझ गया था कि नहीं मुझे बदला लेना है, मुझे बदला लेना है, मुझे बदला लेना है, और उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी सौतेली माँ को मरना पड़ा। लेकिन वही ध्रुव जब मैच्योर्ड हो गए, जब सेल्फ अवेयर हो गए, तो जैसे ही उनसे गलती होने लगी, बड़े बुजुर्गों ने कहा कि नहीं तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुरंत उन्होंने क्या किया, खुद को रोक दिया। इसके लिए हमको क्या समझना है कि हमें हमारे अधिकारों के बारे में नहीं बोलना है, हमें हमारी जिम्मेदारियों को निभाना है। हम जब हमारी जिम्मेदारियों को निभाएंगे तो क्या होगा,
अपने आप दूसरे लोग जो है उनका राइट्स जो होता है उसका संरक्षण होता है. इसके लिए हमको क्या बनना है, जिम्मेदार बनना है. कई बार माता पिता पूछते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, तो वो क्या करते, मोबाइल चेक करते हैं उनका, और मोबाइल चेक करते तो देखते कि मोबाइल तो लॉक है. क्यों बच्चा क्यों छुपाता है माता पिता से, क्यों छुपाता है, क्योंकि उसको ये नहीं लगता कि ये लोग मेरी बात समझ पाएंगे. जब बच्चा गलती करता है माता पिता क्या करते, आज तक तुझे यही सिखाया था. गलती किससे नहीं होती है, वो जब कहाँ से सीखा ये सारी चीजें, जब वो देखता है कि मेरे माता पिता ही मुझे जब कोई व्यक्ति घर पर आता है तो कहता है कि कह दे घर पे नहीं है, कहाँ सीखा ये, उसके लिए ये सारी चीजें नॉर्मल हो गई है अभी. इसके लिए आज के जो माता पिता है, अगर उन्हें अपने बच्चे के जीवन में झांकना है तो फेसबुक में जाइए, उसका दोस्त बनिए, वर्चुअल फ्रेंड बनिए, जानिए किस तरह के दोस्त उसने किए हैं, उसकी सोच क्या है. आप कितना फोन करेंगे उठाएंगे नहीं, लेकिन एक टेक्स्ट मैसेज भेजो आप, तुरंत रिप्लाई करेगा बच्चा, क्योंकि उसके लिए कम्युनिकेशन बोलना नहीं रह गया, उसके लिए कम्युनिकेशन क्या है, टेक्स्ट हो गया है. समझ रहे हैं? तो बच्चों के साथ आपको भी बदलना होगा, आपकी जिम्मेदारियों को समझना होगा. सिर्फ ये मत कहिए कि मेरा पिता या माता होने का मेरा राइट है. राइट से कुछ नहीं होगा, पहले जिम्मेदारी पालन कीजिए, अपने आप बच्चे बड़े होंगे. इसलिए जीवन में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां पर हम कुछ देने के काबिल नहीं होते. छोटी से छोटी कितना भी गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, वो किसी न किसी तरह से दूसरे को मदद कर ही सकता है, कितना भी गरीब क्यों ना हो. तो एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्तर का हो, वो कुछ न कुछ दूसरे को दे सकता है. तो कितनी सारी चीजें हैं, किसी को आप स्माइल दे सकते हैं, किसी को आप, आपके पास थोड़ी शक्ति है तो उसके लिए कुछ काम कर सकते हैं. ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते. इसके लिए आज के सिटिंग में हमने ये देखा कि हमारा जीवन दूसरों के लिए होना चाहिए. दूसरों के लिए कुछ ना कुछ हम हमेशा कर ही सकते हैं. ये एक बहुत सुंदर स्टोरी आई थी. ये जो महिला है यहाँ पर, ये जो दूसरे चाइनीज जो प्लेयर है उसको पानी की बोतल दे रही है, इसको क्या कीमत चुकानी पड़ी पता है इसके देने की? इसका पहला नंबर आने वाला था, दूसरा नंबर आया, और उसका जो प्राइस था $10,000 का उसका लॉस हुआ. लेकिन खुश है कि उस रनर को जब प्यास लगी थी तो उसने उसे पानी देकर उसकी मदद की. वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी हमें एक दूसरे की बहुत ज़रूरत होती है. मैं एक आखिरी स्टोरी कहकर ख़त्म करना चाहूँगा. ये मुंबई के चौपाटी मंदिर की एक माताजी थी, का नाम था हर ग्रह श्याम सुंदरी माताजी. बहुत यंग थी ये माताजी. इन पर एक किताब भी आई है, श्यामा ओ श्यामा करके. जब मैं चौपाटी में था तो ये कथा मैंने पढ़ी थी. ये लड़की 21 साल की, लेकिन इसमें देने की वृत्ति इतनी तीव्र थी, सेवा करने की वृत्ति इतनी थी कि अपना काम छोड़कर बाकी की जो माता है, कोई डीटी वर्शिप में है, किसी को फ्लावर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, उनको देने के लिए अपना काम छोड़कर जाती थी. यात्रा में सेवा करनी है, इतनी उत्साहित रहती थी, सेवा करनी है, यात्रा में जाना है, महाराज के लिए कुकिंग करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे. तो इसकी देने की वृत्ति इतनी तीव्र थी कि एक बार क्या हुआ कि यात्रा की डेट और कॉलेज के फाइनल एग्जाम की डेट एक साथ आई. तो ये माताजी प्रिंसिपल के पास गई और प्रिंसिपल को बोला, एक तो एग्जाम पहले लो, नहीं तो एग्जाम बाद में लो. तो उसने रीजन दिए प्रिंसिपल को कि ये कारण है, मुझे मेरे गुरु की सेवा करनी है, मुझे वैष्णव की सेवा करनी है, मेरे लिए ये सेवा है, मेरे लिए ये, ऐसे उसने 10 कारण दिए. और वो सुन के वो प्रिंसिपल भी इतना खुश हो गया कि उसने कहा ठीक है तुम यात्रा जाकर आओ, उसके बाद हम एग्जाम लें. तो जितनी हमारी तीव्र इच्छा है देने की, उतना भगवान हमारे साथ प्रतिसाद करेंगे.
इसलिए वैष्णव कम्युनिटी क्या होता है, जहां एक दूसरे के लिए जिया जाता है। सारे जो भक्त है जानते हैं एक दूसरे को कि इसमें भी कामी है, उसमें भी कामी है, सब में कामी है, लेकिन क्या करते हैं, एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं। जब वो नीचे होता है तो ऊपर वाला उसे हाथ देकर उठाएगा, जब ये नीचे होता है दूसरा उसको हाथ देकर उठाएगा। इसको कहा जाता है वैष्णव कम्युनिटी, जो एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान सुकुमार गौर प्रभु की, श्रीमान सुकुमार गौर प्रभु की।